हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु। स्वागत है आपका टेक्निकल प्रिंस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट बी के बारे में, जो कि एक फाइनली जो है कि नया अपडेट आ चुका है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया हुआ है, जो कि काफ़ी समय से जो पेंडिंग था, फाइनली जो है कि इसको रिजॉल्व कर दिया गया है। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। एंड आपको लाइव प्रूफ में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है कि वो वर्क कर रहा है इस समय, और क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो मैं फर्स्ट में आपको बता दूँ कि पहले आप जो है कि कहीं से आप लोन लिए होते थे, या फ्लैक्स से लिए हैं, या ई वाउचर आपने लिया हुआ है, चाहे पर्सनल लोन आपने लिया हुआ है, तो यहां पे जो है क्रेडिट बी का क्रेडिट कार्ड जो है कि डीएक्टिवेट हो जाता था। और यहां पे जो है कि आप यूज नहीं कर सकते थे, ना तो आप बैंक विड्रॉ कर सकते थे, और ना ही आप जो है कि ऑनलाइन शॉपिंग में उसे यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पे जो है कि फाइनली जो है कि फिक्स कर दिया गया है इस प्रॉब्लम को, और ये जो है कि काफ़ी अच्छी बात है। मेन चक्कर है कि पहले हम लोग जब भी यूज़ करते थे तो यहाँ पे जो है कि लिख के आता था, रीपेमेंट करने का ऑप्शन आता था। अब जो है कि इस चीज़ को फिक्स कर दिया गया, अब कोई भी रीपेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, डायरेक्टली जो है कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइव डेमो देने वाला हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ले जाके, कि वहाँ पर जो है कि किस तरीके से है, और मेरा लोन वगैरह क्या चल रहा है, और मैं उसे यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो चलिए मैं ले चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, एंड वहां पे जो है कि मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूं। यहाँ पे हमने जो है कि क्रेडिट बी एप्लीकेशन अपना ओपन कर लिया है, और यहाँ पे जो है कि सारा कुछ आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, जो कि नया अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि हमारा अमाउंट जो है अभी भी पेंडिंग है, पे करने का ऑप्शन आ रहा है, जो हमने लोन पहले लिया हुआ था वहाँ यहाँ पे जो है कि अभी भी कम्प्लीटली पे नहीं हुआ है। और यहाँ पे ऊपर साइड में आप देख सकते हैं कि ऑफर्स वगैरह शो कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट बी कार्ड एंड अनलॉक एग्जिस्टिंग डिस्काउंट के साथ में जो है कि इसे अनलॉक कर दिया गया है, और ये जो है कि काफ़ी अच्छा फीचर है। एंड यहाँ पे जो है कि हमारा 10,000 का जो है कि लिमिट यहाँ पे कार्ड्स पे शो कर रहा है, यूज़ कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10,000 का हमारा लिमिट शो कर रहा है, एंड कार्ड हमारा शो कर रहा है। यहाँ पे नीचे साइड में जो है कि पहले लिखा हुआ आता था यहाँ पे रीपे करने के लिए, बट जो है कि अभी भी हमारा प्रीवियस लोन जो है कि चल रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे जो है कि रीपे करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो है कि काफ़ी अच्छा फीचर क्रेडिट बिल वालों ने लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे जो है कि कार्ड्स को जो है कि अनलॉक कर दिया है, यहाँ पे ऊपर साइड में आप देख सकते हैं कार्ड्स को जो है कि अनलॉक कर दिया है। आप कोई भी अमाउंट जो है कि अगर आप पहले से ले कर चलते हैं तो यहाँ पे जो है कि उसके बाद भी जो है कि इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, मेरा प्रीवियस लोन जो है कि ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद भी जो है कि मैं इस कार्ड को यूज़ कर सकता हूँ। एंड जो है कि यहाँ पे मेरा जो प्रीवियस अमाउंट जो पहले जो ऐसा सिचुएशन था कि यहाँ पे जो है कि हमारा प्रीवियस जो भी लोन बाकी रहता था वहाँ पे पहले रीपे करने के बाद से ये कार्ड यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे जो है कि फाइनली जो है कि क्रेडिट बी वालों ने एक नया अपडेट दिया है, नए अपडेट देने के बाद से जो है कि इस प्रॉब्लम को जो है कि फिक्स कर दिया है। अगर आप कोई भी लोन लेते हैं, बैंक ट्रांसफर डायरेक्टली लेते हैं, या ई वाउचर आप पहले से लिए होते हैं, उसके बाद भी जो है कि आप जो है कि ईजिली अपने क्रेडिट बी क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज़ कर सकते, तो काफी अच्छा फीचर मेरे को ये लगा। अगर आपको कैसा लगा बताइएगा। एंड जो है कि आज की वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।